हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोंकणी स्टाइल फ़िश करी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो ये फ़िश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन के टुकड़े लिए हैं इस तरह से 4-5, और 3 टमाटर लिए हैं इस तरह से छोटे से मीडियम साइज़ के, और कड़ी पत्ता लिए हैं, ठीक है। और मैं फ़िश बना रही हूँ, मैं पॉम्पलेट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आजकल फ़िश अवेलेबल नहीं है इजीली, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसे हम कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए नॉर्मल मैंने जिसमें बनाना है उसमें मैं ये सारी चीज़ों को ग्रेट करूँगी। तो मैंने गैस ऑफ रखा है फ़िलहाल। तो आपको क्या करना है, पहले जो लहसुन है उनको आपको इस तरह से ग्रेट करना है, ठीक है। तो ये 3-4 है लहसुन के टुकड़े, वो मैं आपको ग्रेट कर मतलब करके दिखाती हूँ। तो पहले 3-4 टुकड़ों को इस तरह से ग्रेट कीजिए। टमाटर को मैंने इस तरह से हाफ कर दिया और फिर मैं इसे ग्रेट कर दूँ। तो ये टमाटो जो मैंने 3 लिए थे वो उसको मैं इस तरह से ग्रेट कर दी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से छिलका रहेगा ना वो ऊपर से, उसको निकाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा रहेगा तो चलेगा, जैसे देखिए मैंने भी इस तरह से ऐड किया है थोड़ा थोड़ा, तो ये इस तरह से चलेगा। और आप सोच रहे होंगे मैं इसको मिक्सर में भी ग्राइंड कर सकती थी, बट वो जो मिक्सर में जब ग्राइंड करते हैं ना, कुछ कुछ लोग उस तरह से भी करते हैं, जैसे उसमें लहसुन डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, टोमेटो डाल दिया और सारे चीज़ों को मिक्स करके, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अलग आता है और इसका बहुत अलग आता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। थोड़ा आपको ग्रेट करना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत है बस थोड़ी सी, बट लेकिन उसके बाद ये बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें मैं है जो कड़ी पत्ता मैंने लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी, ओके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे जो हम यूज़ कर रही हूँ मैं, वो हमारा फ़िश करी का मसाला आता है वो हमारा गांव से आ जाता है, ओके। तो आपको क्या करना है उसके लिए, जैसे 2 टेबलस्पून आपने कश्मीरी चिल्ली पाउडर ली है, ये बेडगी चिल्ली जो भी आपके पास है अवेलेबल, तो आप चिल्ली पाउडर लीजिए 2 टेबलस्पून। तो 1 टेबलस्पून आपको धनिया पाउडर लेना है और 1 टीस्पून आपको ज़ीरा पाउडर लेना है, ओके। तो 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और उसका फिर हाफ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। तो मैं सारी चीज़ों का जो मेजरमेंट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे देती हूँ हमेशा, तो वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो फ़िलहाल तो मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे जो हमारा फ़िश मसाला है, ऑलरेडी सब चीज़ें आई मीन मिक्स है उसमें, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तक। तो ये आपके हिसाब से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसमें कम ऐड कीजिए, ओके। और जो फ़िश मैंने ली थी, ये जो पॉम्पलेट है वो मैंने, ये 5 टुकड़े हैं, तो इस तरह से जो मीडियम साइज़ की जो आती है फ़िश वो मैंने ली है, तो उसके मैंने ये टुकड़े लिए हैं। और फ़िश अपनी चॉइस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी ऑयल जो है 2 टेबलस्पून तक, ओके। अब मैंने गैस है ना जो ऑन कर दिया है, ओके, बाकी टाइम पे ये ऑफ था, अब मैंने इसे ऑन कर दिया है। अब क्या करना है, हमको पहले मसाले को पका कर लेना है। इसमें मैं पहले ही पानी ऐड करके मैं थोड़ा पका कर लेती हूँ, क्योंकि फ़िश जो है ना वो जल्दी से पक जाती है। तो आप अगर अभी डालोगे तो ये काफ़ी गल जाएगी या तो फिर एकदम हार्ड हो जाएगी। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा इसमें 1/2 कप तक ऐसे पानी ऐड करूँगी, और पहले ही मसाले जो कच्चे हैं ना तो इनको पहले कुक करके लेंगे, ठीक है। तो आप इसे ग्राइंड मत कीजिए, मैंने जो आपको मेथड बताया है उसी तरह से बनाइए, ये बहुत टेस्टी बनती है फ़िश करी। अब क्या करना है, इसको ढककर हमें पहले मसाले को अच्छे से पका कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने मसाले को अच्छे से 10 मिनट तक भून कर लिया है, ओके। अब क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा मैं ना कोथमीर ऐड करती हूँ, फ्रेश धनिया, ओके। अब यहाँ पे फ़िश डालने की बारी आ गई है, ओके। अब मैं इसमें फ़िश ऐड करूँगी, आप जो फ़िश करी है उसके अंदर जो फ़िश का जो सर का हिस्सा जो होता है ना वो भी इसमें ऐड करते हैं, तो हम नहीं खाते इसलिए हमने नहीं इसमें ऐड किया, पर आप लोगों को पसंद है तो आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि वो फ्राई में तो नहीं अच्छी लगती ऑब्वियसली ना, तो फ़िश करी में डालते हैं उसे। तो बस इसे हल्के से इस तरह से देखिए मिक्स करना है,
और मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ, एक चीज़ जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने कैरी ली है, जो आम की कच्ची कैरी आती है ना, वो इसके पीसेस लिए हैं। इसका जो छिलका है वो मैंने निकाल दिया है। तो ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी और खट्टी, बहुत टेस्टी करी बनती है। तो ये आम के सीज़न में आप ये इसे ज़रूर ऐड कीजिए, और अगर आप आम के सीज़न में नहीं बना रहे हैं तो इसमें फिर कोकम ऐड कीजिए। तो दोनों में से एक तो ऐड करना ही है। तो बस इस तरह से इसे 2-3 मिनट तक बस इसे रहने दीजिए इस तरह से। फ़िश को ज़्यादा है ना आप हाथ मत लगाइए इस तरह से, मतलब पलटी मत कीजिए बार 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 बार। एक बार मतलब पानी ऐड करने के बाद उससे टूट सकती है फ़िश, हल्के से कीजिए। और फ़िश डालने के बाद में फिर हम इस तरह से बाद में उसे बस स्टर करेंगे। तो बस अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 1 कप तक। ओके, थोड़ा सा और पानी मुझे लगेगा, हल्का सा थोड़ा सा। तो 1 कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ऐड किया है, वो आप कम ज़्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। बाद में कुक होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमको, बस ढककर हमें इसे कम से कम 15 मिनट तक इसे पकाना है। तो फिश करी को पककर देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब मैंने स्विच ऑफ कर दिया है गैस को। अब इसमें थोड़ी सी और मैं इसमें फ्रेश धनिया ऐड कर रही हूँ। तो हम जो है इस वो फ़िश करी को जो है कोकन स्टाइल में, तो इसे खिचड़ी के साथ खाते हैं। तो खिचड़ी जो होती है ना, वो 2 तरह की बनती है, एक तो होती है दाल वाली और एक होती है मेथी की। तो मतलब स्टीम राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है और चपाती के साथ भी अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह से खाना है आप खाइए। ओके, तो चलिए मैं अब इसे डिश आउट करके दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से गर्मा गर्म मेरी कोंकणी स्टाइल फ़िश करी बनकर तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।